हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम में। दोस्तों आप में से एक भाई ने मुझे कमेंट कर पूछा, भाई क्या मैं जो मोरको या मंथरा डिवाइस यूज करता हूँ KYC ETC के लिए या फिर बैंकिंग के लिए, तो क्या हम उस डिवाइस को अपने PC ये जो कंप्यूटर PC होती है, चाहे विंडोज 7 8 10 कुछ भी हो, इस पे जो लॉक स्क्रीन होती है ऑफ स्क्रीन, उस पे जो इनेबल करते के साथ वहाँ पे जो पासवर्ड मांगा जाता है उसकी जगह मेरा फिंगरप्रिंट डिवाइस काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये पूछा था कि उसे कैसे सेट करें। मोरको डिवाइस स्पेशली देखे होंगे बैंक वगैरह में कि वहाँ पे जो उन लोगों का एप्लीकेशन तो बहुत देर काम नहीं करते, तो वहाँ पे फिर से वो PC को एक्सेस करने के लिए वहाँ थंब का यूज़ करते हैं, फिंगर यूज़ करते हैं, जब उसका लॉक स्क्रीन लग जाता है तो वो लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसे हम भी क्या यूज़ कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम पूरे की पूरे डाउट विद कारण क्यों नहीं करते, कर सकते कैसे कर सकते, नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हैं, और ये कैसे वर्क करता है, सारा का सारा टॉपिक लेके आया हूँ। वीडियो तो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, नया चैनल पहली बार आया हो ऐसे नॉलेजेबल इंटरटेनमेंट गेमिंग और टेक्नोलॉजी फैक्ट वीडियो पाने के चैनल करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इसका अगर जवाब देखिए, क्या आप यूज कर सकते हो एज ए मोरको अपने PC के लॉक स्क्रीन पर, तो इसका जवाब है हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए संभव नहीं है, आप इसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं बता दूं और नहीं तो क्यों नहीं करते मैं बताऊंगा, पहले आप जान लो कि कर सकते हो और नहीं क्यों नहीं कर सकते, दोनों के ऊपर डिफरेंस क्या है। जब हम मोरको डिवाइस को यूज़ करने के लिए स्पेशली हमें उनका एक प्रॉपर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो चाहिए, हमें PC में जाकर इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर खुद आता नहीं है और ये मैनुअली काम करने हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। चाहे सेलफोन की बात करें तो वहाँ भी एक इसका एप्लीकेशन होता है जो हम प्ले स्टोर से मोरको SSD सर्विस इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे मोरको डिवाइस को आपके मोबाइल के ड्राइवर से लिंक करके आप जो एप्लीकेशन पे यूज़ करते हो फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन उस पर कंपेटेबल बनाता है, और PC में सेम यही काम होता है, आप अदर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और यूज़ करने के उसे उस हिसाब से कंप्लीट बनाते हैं। अब देखो आप जैसे PC पे लॉक स्क्रीन चाहते हो या PC ऑन होते के साथ आपका वहाँ पे फिंगर से मोरको डिवाइस को मांगे, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो जब हमारे PC को जब हम ऑन करते हैं तो PC का ऑन होने से पहले उसका BIOS स्टार्ट होता है, BIOS से ही सॉफ्टवेयर का चलते, तो BIOS क्या कर जैसे PC बूट करते देखो उससे आपका PC ब्लैंक होता है, वहाँ पे क्या होता है वो ब्लैंक होने का टाइम में चेक करता है आपके हार्ड डिस्क चेक किया था, आपके रैम वर्क प्रॉपर वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, आपके जितने भी उसका एक्सटर्नल पार्ट है जो BIOS का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो सारे माउस की ओडिटी सारे चीज़ को देखिए, माउस पे ऐसे लाइन आएगा, कीबोर्ड लाइन आएगा, फिर भाग जाएगा और चेक करता है सारा चीज़ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, मोरको डिवाइस को हमेशा इंटरनेट एक्सेस की जरूरत है तो ही वो काम करता है, प्लस के लिए सॉफ्टवेयर जो होती है उनको होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैपटॉप आते हैं जिसमें पहले से फिंगरप्रिंट सेंसर रहते हैं, तो वो BIOS के साथ कॉन्फ़िगरेशन करके आता है कि वो बस ऑन हुआ, रैम चेक किया, हार्ड डिस्क चेक किया, आपका कीबोर्ड वगैरह ये सब जो भी चेक करना होता है उसको प्रोसेस वाइज चेक किया, उसके बाद वो फिंगरप्रिंट उसी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है वो भी चेक करता है जो लैपटॉप के साथ इंस्टॉल आते हैं वहाँ पे जो भी डेस्कटॉप पे आते हैं। तो ये कॉन्फ़िगर करना जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिमाग BIOS में कस्टमाइज करना, जो आम लोगों के लिए नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो इसकी से पढ़ाई किए हैं उनके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो स्क्रीन लॉक में मोरको से। वहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपका, एक तो नॉर्मल खुले रखना, एक पासवर्ड डालना, ठीक है। और मोरको चलाने के लिए हमें स्पेशल ड्राइवर को जाकर कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन सर्वर पर काम करता है, जानते होंगे PC ऑन होने के बाद एप्लीकेशन धीरे धीरे आपको टच स्क्रीन होगी, आपके ग्राफिक कार्ड होगी, आपके ऑडियो कार्ड वगैरह वगैरह जो एप्लीकेशन होते हैं वो खुलते हैं ऑन होने के बाद, BIOS आया, PC बूट हुआ, उसके बाद खुलता है बाकी सॉफ्टवेयर, तो रन करेंगे सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए, तो आप नहीं कर सकते हो मोरको डिवाइस को इस्तेमाल। तो फाइनली यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि आप नहीं यूज़ कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो अब सवाल ये उठेगा कि बैंक में जो लोग काम करते हैं, चाहे आप जो भी बैंक जाते हैं वहाँ पे लॉक करने उनका फिंगर मांगता है, तो वो उन लोग का स्क्रीन लॉक नहीं होता, उन लोगों का सॉफ्टवेयर होता है। पहला चीज़ बैंकिंग का जितना काम होता है उनके पास सिस्टम में कुछ नहीं होता, सब सर्वर पर होता है, सब वहाँ सर्वर मिलता है, एक्सेस मिलता है, वहीं से वो लोग काम करते हैं पोर्टल पे जाके जैसे, और वहीं सारा सर्वर ही उसको एप्लीकेशन को डेवलप किया हुआ इस प्रकार से कि वो अगर स्क्रीन लॉक दिखाएगा लाइट बंद तो वर्क नहीं किया, एंड जब वो खोलेंगे तो उनका जो है फिंगरप्रिंट और बाकी जो भी लॉक पासवर्ड मांगा जाता है वो मांग के वहाँ से खोला जाता है। तो वो बैंकिंग के लिए अलग चीज़ है, और बैंकिंग वालों के लिए भी मोरको के ड्राइवर पर ही उसका सॉफ्टवेयर रन कर, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एयरटेल का ही ले लीजिए, कभी कभी वहाँ फिंगर मांग लेता है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि पहले आपका ऑथेंटिकेट करता है फिर जाकर आप उससे APIs वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार से आप नहीं यूज़ कर सकते हो उनको ऑफलाइन मोड पे, बहुत सारे लैपटॉप प्री इंस्टॉल आते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है, तो वो BIOS सब कॉन्फ़िगर होकर आता है और कंपनी से कॉन्फ़िगर करती है, जहाँ पर उन लोगों के टैग
टीम वगैरह रहती है जो यहाँ पे डेवलपर्स रहती है, वहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करके बायोस के साथ ही दिया जाता है। ठीक, वहाँ पे जैसे ऑन करते हो वहाँ फिंगर लगा दो और आपका पीसी बिना पासवर्ड का ही मतलब आपका सामने खुल जाएगा, या फिर पासवर्ड का भी ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपके मोर्फो लेटर जो डाउट होंगे कि क्या हम अपने पीसी पे मोर्फो को लॉग स्क्रीन के साथ लगा सकते हैं, तो आप नहीं लगा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके पास, कोई ऐसे लोग हैं जो इसके काम बेखूबी जानते हैं कस्टमाइज करें सॉफ्टवेयर के, तो ही जाकर, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई प्रॉफिट है। नॉर्मली आप पिन पासवर्ड जो भी रखते हो उससे आप अपना लैपटॉप को सिक्योर कर रखते हो, कोई जरूरत नहीं। आपका फिंगरप्रिंट इतना ज़्यादा आपका हाई लेवल का ये नहीं, अगर है तो आप लैपटॉप जो फिंगरप्रिंट सपोर्ट है, लैपटॉप जो भी आते हैं उनमें फिंगरप्रिंट इनबिल्ट रहती है, वो वाला परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को इसे लाइक करें, वीडियो तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो जरूर शेयर करें, हमारे चैनल नए हो पहली बार आए ऐसे नॉलेजबल इंटरटेनमेंट टैक एंड टैक के फैक्ट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बिल्कुल ना भूले साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पे कर दे। बहुत जल्द एक और नए फ्रेश धमाकेदार वीडियो से, तब तक के लिए टेक्निकल वसीम साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।